उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की पिटाई के मामले में 3 घंटे में मिल गया आरटीआई का जवाब। कैबिनेट मंत्री सहित 4 लोग हैं नामजद। आपको बता दें, ऋषिकेश के शिवाजी नगर के युवक सुरेंद्र सिंह नेगी की 20 सड़क पर पिटाई के मामले में कैबिनेट मंत्री समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने यह जानकारी रविवार को सूचना के अधिकार के तहत सुरेंद्र की पत्नी दमयंती देवी को उपलब्ध कराई है। खास बात यह है कि दमयंती देवी ने रविवार सुबह ही थाने में आरटीआई लगाई थी और 3 घंटे के अंदर ऋषिकेश पुलिस ने यह जानकारी उनको उपलब्ध करा दी। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे ने आरटीआई की बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया कि मामले में मंत्री समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुरेंद्र सिंह नेगी ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ कौशल बिजलवान और गनर गौरव राणा के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके अलावा एक अन्य हेड कांस्टेबल दीपक नेगी का नाम भी विवेचना में आया था। इन सभी को नामजद कर लिया गया है और इस मामले में सुरेंद्र की ओर से एम्स चौकी में दी गई तहरीर को भी समायोजित कर लिया गया है। साथ ही साथ आरटीआई में सुरेंद्र नेगी को पुलिस सुरक्षा में रखने के बारे में भी साफ किया गया है। बताया गया है कि घटना के दिन सुरेंद्र नेगी को पुलिस सुरक्षा में रखा गया था ताकि उसके साथ कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। सुरेंद्र सिंह नेगी का मेडिकल न कराए जाने वाले बिंदु पर जानकारी दी गई कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया था जिससे उस समय उसका मेडिकल कराया जाता। गौरतलब है, बीते दिनों तीर्थ नगरी ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित उनके सुरक्षाकर्मी समर्थक तथा युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें सुरेंद्र नेगी को पीटने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई थी। इस वायरल वीडियो में मंत्री महोदय सहित सुरक्षाकर्मी तथा समर्थक सुरेंद्र नेगी को पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बावजूद मंत्री जी के दबाव में घायल सुरेंद्र नेगी पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस और मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जन दबाव को देखते हुए आखिरकार आज पुलिस ने मंत्री महोदय पर मुकदमा दर्ज कर ही दिया। यूपी न्यूज 9 के लिए ऋषिकेश से ब्यूरो रिपोर्ट।